नमस्कार, मैं हूँ विवेक कुमार और हम आ पहुँचे हैं चांद बावड़ी आभानेरी में है, जो राजस्थान के आभानेरी में दौसा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। और यहाँ पर टिकट मिलती है उस तरफ। ये एक संरक्षित स्मारक है एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मेरे साथ हैं नवीन कुमार जो टिकट ले रहे हैं और इन्होंने दो टिकट्स ले ली है। देखिए, प्राचीन स्तंभों से बनी ये इमारत और इसकी छत में पूरी पत्थर की स्लैब्स का यूज किया गया है। यहाँ भी तीन स्तंभ हैं और ऊपर देखिए छत पूरे स्लैब्स का यूज किया गया है, स्लेटी पत्थर का। प्रवेश करते हैं बावड़ी में। एक बात और देख, जैसे वहाँ पर कुछ थे यहाँ पे भी है। हाँ, है ना। और ये देखिए इधर, ये 100 फीट गहरी है और मेरे साथी नवीन जी बताएंगे इस बावड़ी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने चांद बावड़ी, जिसका निर्माण श्री राजा मिहिर भोज ने कराया था, जिनका उपनाम चांद था, जिनके नाम पर इसका नामकरण हुआ चांद बावड़ी। दोस्तों, इसके अंदर लगभग नहीं कंफर्म 1300 सोपान यानी मंजिल है और लगभग देखा जाए तो गिनतियों में इनकी संख्या 3500, हाँ 3500 इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं और लगभग दोस्तों ये 100 फुट गहरी है। और इतनी गहराई होने के बावजूद जो इसका की सीढ़ियों का जो क्रम है वो इस तरह बनाया गया है कि इसमें एक साथ हजारों स्त्रियाँ या मनुष्य इससे पानी ले सकते हैं। और बावड़ियों का निर्माण ही पानी संग्रह के लिए किया जाता रहा है, हमारे जो इतिहास रहा है हमारे राजाओं द्वारा। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सामने जो आप भवन देख रहे हैं, पहले इसके अंदर एंट्री होती थी विजिटर्स की, लेकिन अभी कोरोना की वजह से जो महामारी फैली हुई है तो इसके अंदर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। और जिसका निर्माण है दोस्तों, ये लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण किया गया था राजा मिहिर भोज के द्वारा। तो हम देख सकते हैं लगभग 1200 साल के आसपास इसको बने हुए इसका निर्माण हो चुका है और उसके बावजूद ये अच्छी स्थिति में अभी भी है। लेकिन अभी भी ये काफ़ी खंडित हो चुकी है काफ़ी जगह से, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं। और दोस्तों ये स्तंभ देखिए, ये पत्थर है, कौन सा पत्थर है ये, शायद मेरे ख्याल से बलुआ पत्थर तो नहीं है ये। और जो ये अंदर पत्थर है ये अलग पत्थर है, इस पर कुछ मूर्तियाँ बनाई गई है जो खंडित की जा चुकी हैं। इसके सामने दोस्तों ये जो बावड़ी है इसके सामने एक मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर है और आभा नगरी इसका ग्राम है जिसके अंदर ये बावड़ी स्थित है। जो वर्तमान में इसका नाम है वो है आभानेरी गांव। ये लाल पत्थर से निर्मित ये मूर्ति है, इसके अंदर यहाँ पर महादेव जी और नीचे भी महादेव की जो चित्र है वो इस पे उभरा हुआ है और जो कि खंडित की जा चुकी है। यहाँ पे इसका नाक तोड़ा गया है और इसको भी खंडित किया जा चुका है। यहाँ पे देखते हैं हम जो इसके निर्माण से लिए कितनी बारीकी से इस पर कार्य किया गया है। देखिए इसकी मूर्ति, इस मूर्ति का भी मुख खंडित किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए
मूर्ति के इतनी कारीगरी की गई है कि बिल्कुल आर पार और यहाँ से बिल्कुल तोड़ा भी ना नहीं गया है। कई स्थानों पर हाँ यहाँ पर भी। और इससे अगले वाले उसमें देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी वही है पक्षी, ये वही महादेव है ना। यहाँ पे ये पुष्प है, ये शायद सिंह नहीं, ये गज है, हाथी है, ये हाथी हाथी या सिंह है, दोनों में से एक है जो खंडित हो चुकी है। और आगे दिखाते हैं आपको, इसमें भी हर एक उसमें पिलर में जो स्तंभ है उसमें ये सिंह है, सिंह है या हाथी है, नहीं ये सिंह है, सिंह है ना, ये सिंह है ना। और ये पुष्प है, और इधर देखो ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा जीव या किस तरह की आकृति है। ये सिंह है, ये पुष्प आदि है, और हाँ, और आप इसकी नक्काशी देखिए किस तरह से परफेक्टली, इतना परफेक्ट, और उस समय का निर्माण है ये 8वीं 9वीं सदी का, शताब्दी का, जिस समय हम जो मॉडर्न विज्ञान है वो कहता था कि उस समय कोई विज्ञान ही नहीं है, उस समय की ये कलाकृति है, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पिछली जो हमारी अवशेष थे उसकी उसी के अनुसार। और आप इसमें आगे वाली जो आकृति है उसको देखिए, ये छोटे से मंदिर को बनाया, ये मंदिर के अंदर ही एक मंदिर की संरचना इसमें बनाई गई है, और ये नागर शैली का मंदिर है, और ये किसी देवी का मुझे वो लग रहा है, क्योंकि पिछली वाली आकृति में मुझे लगा था कि ये महादेव हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, और ये नर्तिकाएँ या सेविकाएँ। और यहाँ पर देखिए ये शायद जो हमारे पूर्वज हुए थे श्रवण कुमार, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार तो नहीं लग रहा, क्योंकि कौन है यदि श्रवण कुमार है तो। एक बार आप इसको देखिए, ये एक तरह का कावड़ हाँ। जो हम लाते हैं उस तरह का ये कुछ चित्र बनाया तो है इसमें। ये क्या है नीचे? ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये नीचे से कुछ कार्य कर रही है, और इसका एक हाथ टूटा हुआ है, हाथ खंडित है। इधर देखिए, इधर भी ये शायद कुछ खा रहा है, और ये कौन सी मुद्रा ही है, ये तो नमस्कार मुद्रा है शायद, ये नमस्कार या अंजुली ऐसे करके क्या बोलते हैं उसको, वीरासन से मिलता जुलता कुछ है, हो सकता है। और ऊपर का यहाँ से खंडित हो चुका है, और यहाँ पर पुष्पादि बने हुए हैं। ये जो पिलर हैं ये आपको किसी नाग की संरचना प्रतीत होती है, नाग कन्या जो हमारे ग्रंथों में हमने पढ़ा है, पुराणों में, वेदों में, वेदों में तो शायद नहीं है, पुराणों में ऐसा हो सकता है कि ये देखिए पीछे सर्प की आकृति है, और उसके आगे मनुष्य। शुक्र है बाहरी आक्रमणकारियों ने ये नहीं कहा कि ये भी हमें बना के दिया तुमने, बिल्कुल, या फिर हमें एनसीईआरटी में ये नहीं पढ़ा जा रहा कि ये भी अंग्रेज आके बना गए या फिर कोई। और ये देखिए कितनी परफेक्टली इस पुष्प को बनाया गया। और ऊपर देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष है, ये भी पुरुष है, और कुछ है हाथ में, ये किसी झूल तो नहीं रहा है ये। हाँ ये आप ये देखो, ये किसी हाथों में ये इसकी स्पोर्ट लेके हाँ, और पैर पीछे मोड़ हाँ, इसमें मोड़, हाँ इसमें पीछे फंसा रखे इसने स्पोर्टिंग के लिए, जिमनास्टिक जैसा कुछ। हाँ ये एक तरह का योगा कुछ हो सकता है, योग शास्त्र से इसमें ये किया, आर पार किया गया है। और ये देखिए ये फिर से एक मंदिर की संरचना, मंदिर के पिलर के अंदर ही एक मंदिर की संरचना, नागर शैली में, ये उत्तर भारत में नागर शैली प्रयोग की जाती है जी। और ये शायद श्री कृष्ण की मुझे मूर्ति प्रतीत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे दोनों हाथ की मुद्रा है, और जो इनकी पैरों की मुद्रा है उसके अकॉर्डिंग ही श्री कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई मुझे प्रतीत हो रही है, जिसको खंडित किया जा चुका है। ये ब्रह्मा है, इनका एक मुख यहाँ पे है, एक मुख इधर है, और एक खंडित है,
और ये कौन है, ये महादेव हैं, त्रिशूल है और सर्प है, मुख इनका भी खंडित है। और ये विष्णु भगवान है, हाथ में ये चक्र किया करती है और इधर ये गदा किया करती है। देखो नंदी भी है। हाँ नंदी, यहाँ पर महादेव के साथ में नंदी है। और ये गणेश और कार्तिक हैं क्या, ये बच्चे से कुछ नीचे हैं, मनुष्य हैं? ये खंडित हो चुकी है, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और एक चीज़ मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखो ये तो सामने की मूर्ति है और इसके पीछे डिजाइन आप कैसे बना सकते हो, इसी इनके पीछे भी, तो आप सोच सकते हो। ये देखिए, मतलब कहीं भी अगर एक सेंटीमीटर की जगह है उस पर भी इतनी कलाकारी, इतना वास्तुकला का चरम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आप, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे जनेऊ जैसा कुछ है, जनेऊ, हाँ ये देखिए ये भी जनेऊ है। हर एक मूर्ति में पहले तो आपको जनेऊ मिलेगा, यहाँ पर ये देखिए जनेऊ, ये जनेऊ क्योंकि बाएं कंधे पे दाढ़ी है। हाँ, बाएं कंधे के ऊपर से और दाएं कंधे के हाथ के नीचे से कंधे के साइड ये बनाते हैं। ये कौन से इष्ट हैं हमारे, थोड़ा सा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, पर हाथ में शस्त्र अवश्य है। बिल्कुल, हम सबसे एक खास बात कि आप किसी भी स्त्री, हमारे जो देव हैं या पुरुष हैं, उनके हाथ में शस्त्र कोई ना कोई हमेशा मिलेगा। तो ऐसी कौन सी हमारी शंख, हाँ एक यहाँ पे शंख है, ये जो हम साथ साइड में जो हमारे सेवा करने के लिए सेवादार होते हैं, हवा हवा करने के लिए, जो ये शायद हाथ में ये सिंह है, ये भी सिंह है, ये हाथ में कमंडल है, और ये क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो कौन से मंदिर के खंडित अवशेष हैं? ये हर्षद माता जो इसके बिल्कुल सामने है। हाँ, ये युद्ध करते हुए सैनिक है, इनके हाथ में देख सकते हैं आप ढाल और ये पीछे तलवार, ऐसे पीछे से प्रहार के लिए, और हर एक मूर्ति के अंदर ये आप देख सकते हो धनुष और तीर कमान के साथ में, और यहाँ पर सिंह गर्जना करते हुए, और इसके अंदर देखो आर पार। बिल्कुल, यहाँ पर महिषासुर का वध करते हुए, हाँ ये इनका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका वध किया था उस समय की है ये देवी दुर्गा। हाँ ये त्रिशूल है, ये टूटा हुआ इतना, हाँ ये टूटा हुआ है, कहाँ से, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भैंसे के अंदर काट दी माता ने, ये भैंसे की नाड़ काटी तभी इसके अंदर से ये मनुष्य रूप में राक्षस ये निकल के काटते हैं। और यहाँ पर भी ये युद्ध के लिए, युद्ध की मुद्रा, ये दुर्गा, ये दुर्गा है, ये बिल्कुल, ये हाथ में ढाल देखिए आप, ये हाथ में ढाल है, ये हाथ में तलवार है, हाँ ये शेर है दुर्गा जी का वाहन, जिसको बोला जाता है वाहन। कितने वर्ष लगे होंगे ऐसा मंदिर और ये सब बनाने में, जीवन लगा दिया होगा, कितना धन लगाया गया होगा, ये हमारी समृद्धि थी, हम इतने समृद्ध थे कि इतना कुछ हमने बनाया। आप तभी कुछ बनाओगे ना जब जेब में पैसे होंगे। ये गणेश देव हमारे, एक स्त्री है, राधा और कृष्ण की मूर्ति मुझे प्रतीत हो रही है। बांसुरी क्या, देखिए पैरों की मुद्राओं को देखिए आप, पैरों की मुद्राओं को देखते हुए हाथ खंडित है, नहीं तो थोड़ा सा बांसुरी यदि होती ना तो उससे हमें आइडिया लग जाता। नहीं, आप पैरों की मुद्राएं देखिए, पैरों की मुद्राएं वही हैं, उनसे पहचान सकते हैं राधा। और यहाँ पर ये एक हाथ, ये हाथ में खंजर जैसा कुछ है, चाकू,
और यहाँ पर ये हाथ में नरमुंड, ये तो दुर्गा है, ये दुर्गा देखिए नीचे एक पुरुष के सिर पे हाथ रख रख पैर रख रखा है, ये महाकाली, हाँ बिल्कुल महाकाली, बिल्कुल ये महाकाली, बिल्कुल ये महाकाली, ये देखिए ये स्वान बिल्कुल कुत्ता, ये नरमुंड, और एक बार ऊपर देखिए ये यहाँ पर ये अंदर भी पूरा खाली है ये, और ये देखिए ट्रायंगल सा बनाया हुआ। इन अवशेषों को देखने के लिए पूरा दिन लग सकता है। ये बावड़ी, वो एक गेट लगाया गया हुआ, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे बिल्कुल आखिरी तक पहुंचने के लिए, या यहाँ पर कोई सुरंग या गुप्त मार्ग, थोड़ा रोक के जूम कर लीजिए, आप वैसे नहीं देख पाओगे, इसके अंदर आप देखिए कहाँ पर जी, वो ना पिल्लर, ये सामने, हाँ वो पिल्लर है लेफ्ट में, और उस पर महिषासुर मर्दन है, उस पर महिषासुर मर्दन है, बिगर मसाले की इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनी हुई है, केवल पत्थरों को आपस में जोड़कर लोहे के लॉक लग रहे हैं इसमें, मैं बताऊँ आपको, देखो ओके वो रेलिंग है ना जी, बिल्कुल उसके ऊपर का स्टेप है, बट रहे ऊपर देखो, एक वैसे तो बहुत लॉक है, पर गवर्नमेंट ने क्या उस पर मसाला लगा दिया, कहाँ पर है जी मुझे दिखाई नहीं दिया एक बार, वो रेलिंग है ना गटरी है, ये गाटर की रेलिंग है, ठीक है ऊपर देखो काला काला से दिख रहा है जॉइंट पे, गाटर की रेलिंग के ऊपर ऐसा स्टेप है ना जो कटे हुए कट है, ऊपर देखो ऊपर, हाँ 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 उसके बिल्कुल जहाँ पे लगा ये गाटर है उसी वाले उस पे ऐसे जोड़ लगा की लोहे के लॉक लगा रहे हैं लोग, इसको लॉक बोलते हैं कि कोई भूकंप आ जाए कोई क्षति नहीं, और ये देखो ये पत्थरों में भी लोग, हाँ हाँ ये पत्थर से पत्थर का लोग, हाँ पत्थर, ये पत्थर से पत्थर का लोग है, अभी इसमें प्रेजेंट में 9 फुट पानी है, अभी इसमें 9 फुट पानी है, और इसमें 10 फुट का खड्डा भी बता रहे हो, तो लगभग 19 फुट हो गया, 19.5 मीटर तो है ही, अब मीटर में है या फीट में, 65 फीट है, अच्छा 65 फीट, और गड्ढे को आप जोड़ेंगे तो 75 फुट होगा, हाँ 75 फुट ये टोटल इसकी है, और एक ये देखो ना आप, ये तो नीचे गणेश की मूर्ति है सामने इधर, और इधर महिषासुर मर्दानी, और दो शिला पे, और हाँ ये उसके ऊपर जो ये शिला ऊपर है, वाटर व्हील चलता था पानी निकालने का, नहीं उसके ऊपर जो ये गुम्बद सा बना रखा है उसके ऊपर भी तो मूर्ति बनाई गई है, और उधर भी बनाई गई है, और ये दो जो सामने पिलर से हैं इनके ऊपर क्या था, वाटर व्हील जो रैट बोलते हैं, रैट 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 अच्छा, पानी, वो पानी निकाल पीछे के जाता था गड्ढे में, हाँ, फिर एक व्हील पीछे होता अच्छा, था एक फिर उसके ऊपर होगा जो ये मसाला डाल रखा है ये शायद, एक ऊपर वो ऊपर तक पहुंचा था पानी का, इसमें सुरंग भी टनल भी, हाँ पीछे से एक वो दरवाजा वो है वो वाली वो दिख रहा है छोटा कॉर्नर में ऊपर ऊपर गेट है ऊपर वो, हाँ राइट साइड की तरफ है, अच्छा इधर की तरफ गई हुई है, पहले राजा महाराजा गुप्त रास्ता होता था निकालने, बिल्कुल बिल्कुल कोई आक्रमण कर भी देखते हैं, वैसे कभी मौका मिलता है जो अगस्त में जब जुलानी 1100 में नहाते हैं लोग शाम को, चलो जी अगस्त में किस तारीख के आसपास होता है, जुलानी 1100 एकादशी, एकादशी को ये 8वीं शताब्दी के 8वीं-9वीं शताब्दी जी, आज से 1200 साल पहले की है, तो ये बहुत पुरानी बावड़ी हो गई आज से 1200 साल पहले की, ठीक है कमलेश जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, अब क्या क्लोजिंग का टाइम हो गया, अब ठीक है जी अब बंद होने का समय हो गया है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं।